तो ये है मेरा सीक्रेट रूम। घर के साइज तो नहीं है पर। अबे यार ये बालकनी का गेट किसने खोल दिया? ये लेके जा रही है कहाँ? शिट यार लाइट ऑन करने वाली। ओह शिट पकड़ी। आज मैं बनाने वाली हूँ अपने ही घर में फिर से सीक्रेट रूम। मेरा सीक्रेट रूम बनने वाला है इसके अंदर। मेरा सीक्रेट रूम बनने वाला है लिफ्ट में। और इस बार मुझे ढूंढने वाली है मेरी मम्मी। और इस बार का सीक्रेट रूम बहुत ही अलग होने वाला है और बहुत ही अलग जगह पे होने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल फिर से जोरों शोरों से किया है। तो चलो गाइज मैं दिखाती हूँ कि मैं अपना सीक्रेट रूम कहाँ बनाने वाली हूँ जहाँ मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो गाइज आज मैं अपना सीक्रेट रूम बनाने वाली हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे सब लोग मुझे ढूंढते हैं लेकिन कभी भी मैं मिलती नहीं। तो इसलिए ये जगह होने वाली है सब से ज्यादा सेफ, और वो है ये बालकनी। तो यार वैसे भी अम्मी को मुझे नहीं लगता कि अम्मी मुझे किसी भी कीमत पे ढूंढ पाएंगी, क्योंकि उनको सीक्रेट रूम का कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने वीडियो तो देखे पर वो मुझे नहीं लगता कर पाएंगी भाई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बालकनी खुले बालकनी में कहाँ छुपूंगी, तो मैं छुपने वाली हूँ इस झूले के पीछे, वो भी मकासा के घर में। इस बार मैं मकासा के घर को चोरी कर रही हूँ और मुझे बहुत देख भी रहा था कि ये मेरे घर के साथ क्या करने वाली है। तो गाइज इसको मैं खोलूंगी और इसके अंदर बैठूंगी। तो चलो बनाते सबसे पहले अपना घर और देखते कि बन भी पाता है कि नहीं। यार इधर मुझे इतना डर लगता है कि कहीं छिपकली विपकली ना हो, मकड़ी वकड़ी ना हो, लेकिन क्या करे भाई, करना तो पड़ेगा ये। और गाइज इस जगह पे कोई भी ज्यादा आता जाता नहीं है, बस कपड़े धुलने के लिए आते हैं लोग। यहाँ पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े होते हैं, तो उसी चीज का फायदा उठाऊंगी मैं, क्योंकि ये मेरा घर। आप लोग सोचेंगे कि कैसे, ये तो दिख जाएगा एंटर करते ही। लाइट, इस जगह की पूरी लाइट ऑफ होती है। और यहाँ पे रख दूंगी मैं बहुत सारे कपड़े। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना पार्ट इस बालकनी का, वो होता है वो मशीन वाला। तो गाइज ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा यूज होता है और इस साइड तो कोई आता ही नहीं। तो गाइज मैं झूले पे यहाँ पे कपड़े रख दूंगी और उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ढक दूंगी मैं, कुछ ना कुछ करके पौधे वौधे या फिर कुछ भी लगा दूंगी ताकि यहाँ पे बिल्कुल भी किसी की नजर ना जाए। तो चलो इसके अंदर हम कुछ चादर बिछाते हैं और अपनी जरूरत की चीजें लेकर आते हैं और फिर इसके अंदर मजे करते हैं। बहुत ही अच्छा घर बनने वाला है वैसे। साले कुत्ते, तो चलो गाइस जल्दी से ये बिछाते हैं, मजा आने वाला है इसके अंदर सच में। थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट भी करेंगे ताकि हमें इसके अंदर अच्छी वाइब आए। तो गाइस अम्मी को मैंने बहुत देर से बंद कर रखा है और अभी मैं लेके जा रही हूँ ये तकिया, लाइट्स और पानी। यार इसके अंदर जगह तो बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अंदर घुस पाऊंगी भी या नहीं। गाइज मेरा एक स्कैम हो गया है और वो ये है कि मैंने इस लाइट को लगाया था चार्जिंग पे कि मैं अपने सीक्रेट रूम को अच्छा सा डेकोरेट करूंगी, पर मैंने इसको ऑन ही नहीं किया था, अब लगाया। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट वेट कर लेंगे, थोड़ा भी हो जाए बस। ये नया घर बनाना बड़ा ही मुश्किल का था। तो गाइस आप लोग सोचेंगे कि ये बेवकूफ लड़की इतनी लाइट्स वाइट्स क्यों जगमगा रही है। तो जैसे ही, जब तक मैं हूँ चिल करूंगी तब तक ये ऐसी रखूंगी ऑन, जैसे ही अम्मी को मैं निकालूंगी कैद में से वैसे ही सब कुछ बंद, यहाँ तक कि बालकनी की बल्ब जो भी है ना सब बंद कर दूंगी, क्योंकि लाइट्स ऑफ होती है हमेशा यहाँ की। बस मुझे मकासा और मिमसी से बच के रहना है, क्योंकि मकासा बड़ा ही शातिर इंसान है, जब भी कुछ सीक्रेट करती हूँ वो इधर उधर घूमता रहता है और देख भी रहा है वो। तो गाइस फाइनली मैं जा रही हूँ इसके अंदर गृह प्रवेश करने और इसके बाद मेरे ऊपर डाल दिए जाएंगे बहुत सारे कपड़े ताकि मेरा सीक्रेट रूम दिखे। तो ये है मेरा सीक्रेट रूम। आ चुकी हूँ अपने सीक्रेट रूम के अंदर और अभी मैं आराम से मजे होके चिल मारने वाली हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इधर उधर कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, थोड़ा सा सुकून में रहती हूँ, क्योंकि थक गई मैं ये घर बना बना के भाई। गाइस मकासा आ चुका है। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अभी जाके बताऊंगी कि तूने मेरे घर पे कब्जा किया, जा रही हूँ बताने, जा रही हूँ। तो चलो गाइज अब मैं जा रही हूँ अपने सीक्रेट रूम को बंद करने बिल्कुल, और इसके ऊपर कपड़े से ढक दूंगी और लाइट ऑफ करने। तो गाइज अब मुझे समीन अंदर लॉक करने वाली है और इसके ऊपर मुझे कपड़े से ढक देगी वो, मुर्गी हूँ मैं, मुझे ढांक देगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा अभी सीक्रेट रूम, और मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली। तो अच्छा हुआ मैंने अपना घर भी ब्लैक चूज किया। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अम्मी को कॉल करने और उनको मैं दूंगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम। अगर उन्होंने मुझे 10 मिनट में निकाल लिया तो ठीक है, वरना मैं विनर होती हूँ। हेलो,
हेलो अम्मी, बोर तो नहीं हो रही ना रूम में बंद हुए? बोर नहीं हो रहा है, तुम काम वाले आदमी को तुम घर में बंद कर दियो, मुझे यहाँ पे घूमना था, काम था, तुम बंद कर दी। चलो टाइम लगेगा, हो गया अब तुम निकल जाओ और तुम मेरे को ढूंढना स्टार्ट कर दो, और तुम्हारे पास अम्मी 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से आ जाओ। अरे तुमको ढूंढ लेंगे हम, इत्मीनान से बैठी रहो, जाओ तुम। ठीक है आ जाओ, टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा हुआ मैं तब बात कर रही थी जब यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा शोर हो रहा था, क्योंकि माइक पे से आवाज गई नहीं होगी। हाय बच गई मैं यार, चलो मिलती फंसवाएगी मुझे। तो स्वीटी का फोन आ गया है, चलो देखते हैं कहाँ छुपी हुई है, आज तो हमको परेशान करने वाली है ये। तो चलिए देखते हैं ढूंढ पाती हूँ कि नहीं, पहली बार मैं कर रही हूँ ये। देखते हैं पहले स्टोर रूम में, ये यहाँ भी पहले भी बना चुकी है। अबे यार ये बाल रखा, लेकिन मुझे नहीं लगता है आज ही सफाई की है, कुछ भी नहीं है, इतना ये हटा के कर ही नहीं सकती। खोल दिया यार, यहाँ पे कोई है? यहाँ गद्दा है, गद्दा के पीछे तो नहीं है? नहीं है, ये मक्खी के पीछे पड़ी है। तो ये स्टोर रूम में तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि कहीं और छुपी हुई है, क्योंकि इधर तो छुपने का कहीं पर है ही नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए फिर दूसरे जगह देखते हैं। अभी तक तो सेफ हूँ मैं, देखते कब तक सेफ रहते हैं। ये यहाँ पर सोया हुआ है, जो ये भी पता करता मेरे साथ लगकर, तो ये अपना आराम फरमा रहा है। छोटी बच्ची हो क्या? चलो स्वीटी कहाँ है ढूंढने, चलो बता सा। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, थक गई और लेटे लेटे बैठने का मन कर रहा है। हाय गर्दन मेरी, अल्लाह। तो अब देखते हैं किचन में चप्पल यहीं पर है, कहीं यहीं तो नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना यार, मेरी गर्दन टेढ़ी निकल जाएगी अब यहाँ से निकलूंगी तो, क्योंकि बहुत तेज है, वो कहीं पर भी बना सकती है, उसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि फ्रिज में बनाई थी स्वीटी इस अमीन। कुछ नहीं है, कहाँ है देखो, घर में ही पता नहीं चल रहा है, फूल बहुत आ रहा है। ये सब के पीछे तो नहीं है, इतना तो जगह नहीं है जो ये छुप सकती है। ऑक्सीजन लेवल मेरा डाउन जा रहा है। गाइज ये मेरा फैन है, आपसे नहीं, जन्मों जन्म से मेरा फैन है, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, समझ रहे हो आप, ऐसा फैन किसी का नहीं है, जबरा फैन है, जबरा। इधर की साइज तो नहीं है पर भाई मुझे पता है, ये लोग पता है निगलेक्ट करेंगे बिल्कुल इस बालकनी को, क्योंकि अम्मी ने भी हम लोगों की सीक्रेट वीडियो देखी है, सीक्रेट रूम वाली, और उन्होंने देखा कि बालकनी में कोई छुपता ही नहीं है और कोई छुपने की जगह ही नहीं है। हम लोगों ने हजार बार बोला कि छुपने की जगह है ही नहीं बालकनी में, लेकिन इस बार मैंने ऐसा दिमाग चलाया ना कि मैं सीधा यहीं बैठ के ही अपना घर बना दूँ। टाइम नहीं है मेरे पास, कितना टाइम है मेरे पास। अरे यार कोई गेट बंद कर दो ये वाला। डर तो कहीं पे नहीं है। शिट यार लाइट ऑन कर दूं, ओ शिट पकड़ी जाऊंगी, शिट यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहाँ छुपी है समझ में नहीं आ रहा, घर में ही बोली है। बेटी को ढूंढना, इस बार ये ढूंढेगी, ये लेके जा रही है कहाँ, ये क्या है? इधर बालकनी के तरफ लेके आ रही है, इधर तो कुछ नहीं है, कहाँ लेकर आई हो? अरे मिमसी उधर क्यों? मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, ये यहाँ छुपी हुई है ये। मतलब मिमसी लेकर आई है, मिमसी देखो वहाँ पीछे है, मिमसी चोर तेरी वजह से पोल खुल गई है, देखो गाइस यहाँ बैठी हुई है ये, मिमसी वहाँ से लेकर आई है इधर कोने में, इसकी वजह से फंसी हूँ गाइस मैं, इसकी वजह से सिर्फ। देखो मिमसी देख कैसे रही है कि कहाँ छुपी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं लगता वो लेकर आई है यहाँ पर। खोल यार, नाच रही है यार यहाँ पे ये। अरे कोई खोलो भाई, यहाँ मुझे फंसा दिया इन लोगों ने। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो गाइस फाइनली अम्मी ने मुझे वक्त से पहले पकड़ लिया है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम पकड़ पाओगी, लेकिन दिमाग बहुत चलता है। तो मिमसी गई उधर, तो मुझे भी लगा कह रहे इधर भी हो सकती, इधर तो देखे ही नहीं, अभी भी इधर ही घूम रही है, दोनों बिल्ले यहीं पर है। तो गाइस अम्मी के लिए जल्दी से इस वीडियो को कर दो लाइक, और आप लोग कमेंट में बता रहे कि क्या मेरे साथ इन दोनों बिल्ले और बिल्लियों ने अच्छा किया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है अन्याय। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, और अब मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।